इश्क बर्ड्स, द लव बर्ड्स, देबीना और गुरमीत, 15 साल रोमांस करते हुए उनका एक बेबी भी हुआ है, कंग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू बेबी, बच्चा भी हुआ है। पाब्लो कैसा हुआ, कब हुआ, ये छुपाया क्यों दुनिया से? गुरमीत मेरे भाई, ये देखो लेके बैठे हैं हम। आपने पाब्लो का नाम लिया सिद्धार्थ, ये देखो इसको। अरे शर्मा गया बहुत बहुत शर्मिला है हमारा पाब्लो, हमारा जो बेटा है ये बहुत शर्मिला है, नाम लेते ही भाग गया यहाँ से। अब तक बैठा हुआ था, देखो उसके लिए स्पेस भी छोड़ा हुआ है। तो ये बताओ कि दबीना, ये तो तुमने पाब्लो जो तुम्हारा पप्पी के प्यार के बारे में बोला, हमारे गुरमीत से कितना प्यार करती हैं आप? वो बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा, खासकर आपके शो में तो सारी दुनिया सुन रही होगी, आप प्लीज बताएं। अरे मैं ऐसे बताऊं? हाँ, अरे कितना प्यार करती हूँ, वो तो इतने सालों में लोग हर एक साल देख रहे हैं, लोगों के सामने हम लोग मिसाल कायम कर रहे हैं। साउंडिंग सो फिल्मी। बता या, अच्छा है यार, फिल्मी होना बहुत जरूरी है यार, हमारा तो रोंगटे में बॉलीवुड है। तो गुरमी, तुम 15 साल बाद कितना प्यार करते हो देबीना से? प्यार कम हो गया, सेक्स अपील कम हो गया? कभी कभार लोग कहते हैं 7 साल बाद इच होता है तो प्लेटोनिक हो जाता है, पति पत्नी भाई बहन की तरह फील करने लगते हैं। नहीं नहीं, देबीना ये बिल्कुल फील नहीं होने देती है भाई बहन वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा और... देखो पे मेरा मेरी पारी आ गई। नहीं, हम एक्चुअली, मुझे लगता नहीं, हम अभी भी इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी जब हम कहीं बाहर जाते हैं शूट पे जाते हैं, तो आज भी सबसे अच्छी बात है कि शूट पे भी जब हमारा पैकअप भी होता है तब भी हम तुरंत एक दूसरे को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि कहाँ है, तुरंत मिलना है घर पे। आज भी वो फील होता है कि तुरंत घर पे आना है, साथ में बैठ के कुछ बात करनी है। और हम एक्चुअली सबसे अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, हमारे पास बहुत सारी बातें हैं बात करनी, हमारी बातें खत्म नहीं होती है। तो हमारी दोस्ती एकदम, पहले दोस्ती है फिर प्यार है, तो वो ज्यादा जरूरी है। तो ये बताओ, ये स्पार्क्स तो होता है रिलेशनशिप में, फिजिकल अट्रैक्शन, वो सब वो खत्म हो जाता है इतने सालों में कि वो भी रहता है? एक्चुअली इट्स द वे हाउ यू मेंटेन इट। मैं तो अक्सर बोलती हूँ कि रिलेशनशिप की इनिशियली हम लोग बहुत ज्यादा देते हैं और बाद में वो थोड़ा सा, मतलब फिर देना थोड़ा, मतलब यू नो, बिकॉज वी गिव इन टू मच, वी चेंज आवरसेल्व्स अ लॉट, एंड बिकॉज वी वांट टू इंप्रेस आवर पार्टनर। और जब इंप्रेस हो जाते हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद लगता है हो तो गया, अब नया क्या, फिर ध्यान जाता है कहीं और, मतलब इधर उधर दूसरे काम में। अच्छा, कहीं और बोला तो मुझे ऐसा लगा कहीं और दूसरे काम में। क्या बात है भाई, ये माने तुम्हारी लव गुरु हो चुकी है हमारी देबीना। हाँ, फुल फुल, मतलब ये एक्चुअली मैंने आपको बोला ना सिद्धार्थ की ये एक्चुअली हमें अप टू डेट रखती है, इनकी वजह से एक्चुअली इतना प्यार उभरता है। आज भी जब सुबह उठता हूँ तो मैं एकदम ऐसा लगता है कि पहली बार अपने प्यार को देखता हूँ। मेरी जान सदके जा। पर भाई मुझे बताओ, इतने सालों में जेन्यूनली देबीना किस तरह बदली है? यार सबसे अच्छी बात है सिद्धार्थ, देबीना बदली नहीं है, वो भले मैं बदल गया, इन्होंने बोल बोल के तुम कैसे हो, बदल जाओ, मैं बदल गया, तो काहे को बदल गए? कुछ भी। तो देबीना की सबसे अच्छी बात है कि ये हर चीज में समझती है, और जहां पे मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक जाता तो वो मुझे ट्रैक पे ले आती है। ये कौन से चीजों में ऑफ ट्रैक हो जाते हैं गुरमीत, हमारे प्यारे दुलारे? वो जब कोई भी काम करते हैं उसमें थोड़े से ज्यादा ही विलीन हो जाते हैं। तो जैसे जब हम रामायण कर रहे थे तो उस टाइम पे भी, इतने ज्यादा कैरेक्टर में घुस गए थे, मतलब कैरेक्टर को समझने के लिए कैरेक्टर में इतने ज्यादा घुस गए थे कि ऐसा लग रहा था थोड़े दिन के बाद साधु बन जाएंगे। हाँ, तो संसार छोड़ के एकदम, मतलब आश्रम खोल के चले ही जाएंगे। नहीं, पर मुझे बताओ, ये रिलेशनशिप से हमेशा अप्स होती है और डाउन्स भी होती है, हर रिलेशनशिप में होता है। कोई एक फेज हुआ है जेन्युइनली मेरे भाई, जब आप दोनों के बीच में माने हार्डशिप्स आ गई एज अ कपल, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? आई थिंक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग ना छोटी छोटी बातों पे बहुत लड़ते हैं। हमारी अगर सिद्धार्थ, अगर आप हमारी लड़ाई देखोगे तो उसमें देखोगे कि हम बहुत छोटी सी बात पे लड़ रहे होते हैं भयंकर। बट यू नो, बताओ, इट्स ग्रेट टू सी द स्पार्क। आज के जमाने में मुझे मैंने समझ नहीं आता है, मैं किसी कपल से पूछूं तुम्हारी बीवी कैसी है, तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, क्योंकि पता चलता है कि वो लोग टूट गए। आपको क्यों लगता है कि रिलेशनशिप्स आज के जमाने में इतनी टूट रही हैं, क्यों, स्पेशली इन द इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस? देबीना, तो बहुत बड़ा कमेंट हो जाएगा किसी और के ऊपर,
बट आई फील दैट पीपल कम क्लोज टू ईच अदर एंड वाइल वर्किंग एंड आई फील दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड एंड आई बिलीव दैट. और आप जब साथ में काम करते करते जो लगाव होता है तो मुझे वो लगता है कि बिकॉज इट इज टू मच ऑफ बीइंग टुगेदर. और उसकी वैलिडिटी तभी मिलती है व्हेन यू डू नॉट वर्क टुगेदर, व्हेन यू डू नॉट मतलब यू आर नॉट कंपेयर्ड टू सी ईच अदर्स फेस फॉर एन नंबर ऑफ आवर्स एवरी डे. तो आप थोड़ा दूर रहो, आप अलग कुछ करो अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग एक्टिंग एंड जस्ट बीइंग together on the set, tab pata chalta hai whether the relationship will stay or not. So the togetherness ko log initially bahut pyar soch lete hai aur phir wo relationship ghoshit kar dete hai aur phir baad mein jab when you are not doing the show together, when you are not compelled to be with each other and still be busy so that you get the time for romance little bit, but when all the time is only yours and there is no something to support you to be together, you go here to work, you go here to work, and that's when I mean I think everything go helter skelter. फिर कभी कभी काम हम लोगों को कभी साथ में करा देते हैं, मतलब साथ में हम लोग shows कर रहे हैं, साथ में कुछ कर रहे हैं, तो साथ में हम लोग we are contributing to earning. तो इसीलिए एक लगता है कि हाँ हम as a couple it we are growing together. बाद में जब ये शोज वगैरह सब कम हो जाता है, व्हेन यू हैव टू सर्वाइव ऑन योर ओन एज टू एज इंडिविजुअल्स एंड नॉट एज अ कपल, दैट्स व्हेन यू फाइंड टू डिफरेंट डायरेक्शंस एंड यू डू नॉट नो वेयर टू मेक इट मीट. सो आई फील दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स आर नॉट स्टेइंग. एक चीज बताओ गुरमी, तुम्हारी वाइफ का ईक्यू जो कहते हैं इमोशनल कोशेंट इज ब्लडी सॉलिड भाई. इसी बात पे हम दोनों देबीना के लिए बोलो बोलो अंगार अंगार. अरे अंगार अंगार और तालियां सब साथ में सब. गुरमीत तुम्हारी वाइफ इतनी अट्रैक्टिव है, तुम खुद इतने अट्रैक्टिव हो. जेन्युइनली बताओ मेरे भाई, जब वाइफ कहीं जाती है कोई मेल अटेंशन मिलता है या फीमेल अटेंशन मिलता है, बोथ आर वेलकम, तुम उसको वेलकम करते हो कि थोड़ी फट जाती है तुम्हारी? नहीं, मैं तो एकदम देसी बनता हूँ. अगर ज्यादा अटेंशन कोई लड़का दे रहा है तो भाई अपना देसी खून जाग जाता है. तो फ्रैंकली मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बट ऑफकोर्स अरे मैं देसी वाली बात बता रहा हूँ. लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, डेफिनेटली व्हेन शी इज शूटिंग, जब काम कर रही होती है, वो एक हमारा प्रोफेशन है तो उसको पूरा रिस्पेक्ट दिया जाता है. हम बिल्कुल हम दोनों एक दूसरे को पूरा उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं. हाँ, अगर कोई ज्यादा ही अटेंशन दे रहा है तो थोड़ा तो देसीपन तो आ ही जाता है, तो डोले शोले ऐसे निकल आते हैं. ना, बट ऑन द अदर हैंड, इफ आई एम ड्रेसिंग अप वेरी सिंपल समटाइम्स, आई मीन ऐसा होता है ना, एंड आई एम जस्ट अबाउट लाइक ड्रेस्ड अप इन अ सूट और समथिंग, वेयर ही विल से व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप लाइक दिस, वेयर समथिंग नो नाइस, वेयर दिस जींस, वेयर दैट नाइस टॉप. What is this? What are you wearing? So he would correct me like that. I mean, it's not that अच्छा है गंदी लग रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. He would just make me change the dress, make me wear something really nice and sometimes really hot, and then we would go out somewhere. I mean, और सिर्फ मैं इसको देख रहा होता हूँ. हाँ, कोई अगर देख रहा तो हट जाओ. This is showing off. No, not like that. But yeah, he actually motivates me to always be very well dressed, very well presented, not like aise kuch bhi. Main thodi si kabhi kabhi ho jati hu, chalo na koi to nahi dekh raha, hum dono hi gaadi mein ground maar ke aa jayenge. No, wear something nice is what he always does. Ye bhai ka badappan hai aur maturity hai. Oh my god. Absolutely, यार मैच्योरिटी होती है ये भी ना. अभी चाहे जितना भी देसीपन हो, भाई का दिल भी माने मैच्योर भी है, और देसीपन भी होना बहुत अच्छी बात है. That's what makes you special, मेरे भाई. भाई थैंक यू सिद्धार्थ. हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं तो कभी कभी हमारी भी तारीफ हो जाती है.